सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो गाइस, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे मतलब रिपेयर करेंगे एक आयरन जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है और ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल प्रेस है। और अधिकतर क्या होता है कि कई घरों में प्रॉब्लम आती है प्रेसों की कि प्रेस ख़राब हो जाती है चलते चलते, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि प्रेस ख़राब नहीं हो पाती, लेकिन होता ये है कि उसके जो थर्मोस्टेट जो कम ज़्यादा करने का वो काम नहीं करता है, तो उस कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये जो इस प्रेस में भी यही प्रॉब्लम है कि इसकी जो रॉड है मतलब ये गर्म होती है, हीट करती है, अलाइनमेंट ये सही है, लेकिन इसका जो थर्मोस्टेट वो काम नहीं कर रहा। अधिकतर इसी प्रकार के कई प्रेस हैं जिसमें ये काम नहीं करता और हम प्रेस फेंक देते हैं, दूसरी नहीं ले आते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो थर्मोस्टेट है ये चेंज करने पर हमारी जो प्रेस है प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती है। इसी प्रकार का ये थर्मोस्टेट नया मार्केट में मिलता है और इसकी जो प्राइस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगा कि क्या प्राइस में मिलता है और आप ये घर पर ही लगा सकते हैं इजी तरीके से। जैसे जैसे इस वीडियो में बताया जा रहा है वैसे के वैसे आप इसे लगाइए। अब हम इस थर्मोस्टेट को सेट करेंगे। इसे सेट करना ज़रूरी है तभी ये ऑटोमेटिक काम करेगा वरना नहीं करेगा। अब इसे मैं सेट करने बताऊंगा कि कैसे सेट करते हैं। तो एक टेस्टर की सहायता से इसे सेट कर सकते हैं आप। ये आप देखेंगे कि नीचे की जो पत्तियां हैं दो गौर से देखिएगा, ये जैसे ही मैं इसे नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रही है। नीचे की तरफ आपने कसना है इसे, इसके ऊपर वाले नट को, तो ये ऊपर नीचे होगी और तभी ये जो हैंडल इसका वर्क करेगा। आप ये देख सकते हैं कि ये बन चालू हो रहा है हल्का हल्का, ये देखो। इसी के ज़रिए जो प्रेस है आपकी ऑन ऑफ होगी, ज़्यादा ओवरहीट पे ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा इसका और इसी कारण से ये ऑन ऑफ होगी, तो इसकी सेटिंग करना ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे कि हमने इसे कनेक्शन कर दिया है। जो नीचे वाला जो इसके दो वायर के पॉइंट थे, तो जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना, सबसे नीचे वाला हम लेफ्ट वाले में इसे लगा देंगे और उसी में ही हम जो वायर रहता है हमारा बल्ब का उसे भी लगा देंगे। हम दोनों अलाइनमेंट के सिरे पे हम वायर लगा देंगे, जो बल्ब है छोटा सा मिनी बल्ब है उसे। अब इसे हम चेक करेंगे सीरीज वायर की मदद से कि करंट तो नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, हल्का सा बल्ब चालू हो रहा है। ये सीरीज वायर में हम चेक कर रहे हैं तो बल्ब फुल तरीके से चलेगा नहीं, डायरेक्ट जलेगा, डायरेक्ट लगाएंगे तब जलेगा। और हमारे जो प्रेस है वो ओके हो चुकी है, कम्प्लीटली वर्क कर रही है। अब इसे हम फिट कर देते हैं।
अब हम इसे डायरेक्ट लगा दिया है, अब ये देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वो ग्रो करने लगी है, जलने लगी है और ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं गर्म होने पर ये ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। तो इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।